मखाना मखाना हूँ वाटर लिली बा कई फूलर मंजूर प्रस्तुत होता है जहाँकि आम शरीर को बहुत बेनिफिट्स दे था एभली कि आम शरीर को हेल्दी रखे साय मखाना खाइबा द्वारा आम शरीर में इम्यूनिटी पावर को बढ़ी थाए आ ब्लड सुगर को कंट्रोल रखी थाए तो आज आम बनवा ये मखाना गोटे हेल्दी रेसीपी जहाँकि मखाना करी और खाइबा को जितकी टेस्टी सतरे बनवा भी सेते सहज तो आज आम बनवा ये रेसीपी मु सस्मिता मो चैनल को आपन समस्त को बहुत बहुत स्वागत चलतु जाणीनबा ये मुझे मखाना को नहीं जाऊँ और यह कड़े हल्का आम भाजी नवा मखाना को छोट छुआ को छतुआ बा भजा बा पॉपकॉर्न भली भाजी की से टिके ब्लैक सॉल्ट और लंका गुंड पकईकी देदेबे तहले भी बहुत भल माइंड को बहुत डेवलप करैथै देखते ये मखाना पूरा पूरी भाजी हो जाए पूरा पूरी गुंड मैं ता मैंने आम मखाना पूरा भल भाव भाजी हो जाए तो यह आम अलग गोटे जगार रखि नवा आठ मुझे काजू और चारमगज को पतरेकी नहीं जाइए दुईट पिज को नहीं किसी रसुण किसी अदा आ कंचा लंका को आईटी टमाटो को ये काटिकी मत रखी नहीं जाए तो गोटे कड़े में किसी तेल नहीं जावा मुझे सोरस तेल व्यवहार करें रिफाइन तेल व्यवहार करें तो तेल गरम हो जाए आम रखि पिज रसुण कंचा लंका और अदा को नहीं जावा यहाँ ब्राउन कर भाजी नवा यार हल्का भाजी हो गला परे इतरे रखी थिबा टमाटर को नहीं जावा और टमाटर गुड़ी को मध्यम भल भल भाव भाजी नवा टमाटर कि लुण पकई नवा ताकि टमाटर सीझी जीव शीघ्र तो यह धीरे धीरे भाजी हो गला भल भाव यह बर्तमान गोटे बाउल रे काढ़ी नवा यह थंडा करने छाड़ीद बर्तमान देखते यह थंडा पांच दस मिनिट पर तो यहाँ को गोटे ग्राइंड जारे नहीं जावा और से भिजा होता काजू चारमगज को लेकिन यह गोटे भल भाव पेस्ट बन पेस्ट आम पूरा पूरी रेडी जाए तो गोटे कड़ई में किसी तेल नहीं जावा ये मुझे आलु को नहीं चाहिए आलु को स्किप करें तेल गरम हो जाए तो आलु को पकई नवा यह धीमी आँच रे घोड़े घोड़े हल्का हल्का ब्राउन होगा पर्यटन भाजी नवा ताकि यह सीझी आउ भल भाव भाजी मध्य तो धीरे धीरे यह भाजी मध्य आउ सीझी मध्य तो बर्तमान यह आम गोटे बाउल को काढ़ी नवा बर्तमान मखाना भी भाजी हो जाए आलू भी भाजी होती मसला मध्यम रेडी जाए तो चलतु प्रस्तुत करवा आज रेसीपी एटी किसी तेल नहीं जाऊँ और से गोटे सुखिला लंका कि जीरा गोटे तेजपत्र डालचीनी गुजराती एक भाई कि गरम मसला पकई नवा ताकि यार बासना भल आसब आ कटा हो पिज को मध्य नहीं जावा यह हल्का ब्राउन कर धीरे धीरे भाजी नवा जदि मो चैनल को सब्सक्राइब करना ताले मो चैनल को सब्सक्राइब करे निश्चय कमेंट देबे लाइक करेंगे तो बर्तमान ये प्याज भाजी हो जाए तो ये आम टे पकई नवा कस्तूरी मेथी और टिके एपट सेपट कर बटा होता मसला को पकई नवा जेहेतु भाजी हो जाए तो आमर बेस समय लगे ना यहाँ कषापी अल्प टिके समय भल भाव कषि बर्तमान ये आम कि हलदी स्वाद अनुसार लुण जीरा गुंड धनिया गुंड करी पाउडर आ कि कश्मीरी तीखी लाल पकई नवा और यह भल भाव कषि नवा भल भाव कषि धीरे धीरे ये स्वाद अनुसार चीनी पकेबा ताकि यह कलर भल आसब आ टेस्ट मध्य बहुत भल लगे कि गरम पानी दे देदेबा हल्का अल्प दे ताकि यह टिके भल भाव आउटे कषि हो देख
देखते तेल पूरा ऊपर को उठी आसला पूरा पूरी आम मसला रेडीगला तो ये बर्तमान आम आवश्यक अनुसार गरम पा देद यह टे फुटाप दुई तीन मिनिट आ जिते बड़े फुटी से आम रखि आलू को पकई नवा आलू को पकाई गोटे दु मिनिट आम ढाकी नवा और सीझाई दबा बर्तमान दुई तीन मिनिट पर पूरा पूरी सीझिक रेडी जाए तो बर्तमान आम रखि मखान को पकई नवा मखान को पकाई मध्य हमें दुई तीन मिनिट पाई बसाइबा बर्तमान पूरा पूरी रेडी जाए आमर मखाना तरकारी ए कि कटा धनिया पत्र पकाई नबा और यहाँ को सर्व करनवा जी देखा सुंदर देखा खाइबा को मध्य टेस्टी बहुत बढ़िया आउ देह तो पूरा पूरी हेल्दी तो निश्चय ट्राए करेंगे जदि मो चैनल को सब्सक्राइब करना तेल सब्सक्राइब कर देने थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।